टोकन पक्षी यह उन दुर्लभ पक्षियों में से है जिनकी बनावट अनोखी और विचित्र होती है। इसके रंगीन और बड़े चोंच इस पक्षी की खासियत है। इसकी चोंच की सुंदरता के कारण ही दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों में इस पक्षी को शिकार करते हैं और उन चोंचों को बेच देते हैं। यह पक्षी उन प्रजातियों में से है जो आज खतरे में है। तो आइए इस पक्षी के बारे में आज हम कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। यह पक्षी दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। टोकन पक्षी की कुल 40 प्रजातियां होती है। इस पक्षी का आकार और वजन इनकी प्रजातियों के आधार पर निर्धारित होता है। इनकी सबसे छोटी प्रजाति का वजन 130 ग्राम और आकार 11.5 इंच तक का होता है, जबकि इसकी सबसे बड़ी प्रजाति जिसका नाम टोको टोकन है, इसका वजन 680 ग्राम और आकार 29 इंच तक होता है। इन पक्षी का चोंच काफी लंबी होती है और देखने में काफी चटकीले रंगों की होती है, जो कि इन्हें वर्षा वनों में रहने के लिए उपयुक्त बनाता है। और इन्हीं चटक रंगों के कारण इन्हें पेड़ पौधों के बीच छिपने और उनके बीच घुल मिल जाने में बहुत मदद करता है। टोकन पक्षी के पंख काफी छोटे होते हैं, जिस कारण से यह लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं, जिस कारण भोजन के लिए इन्हें छोटी छोटी उड़ान तय करना पड़ता है। यह पक्षी अपने शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने चोंच पर निर्भर करता है, इसलिए सोते समय यह अपने चोंच को अपनी पीठ से सटाकर सो जाते हैं, जिस कारण से रात में इनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। टोकन पक्षी अन्य कई पक्षियों की तरह सर्वाहारी होते हैं, यानी कि सब कुछ खाते हैं, परंतु कुछ रूप से यह वर्षा वनों में लगने वाले फल जैसे अंजीर, संतरा और अमरूद आदि फल खाते हैं। इसके अतिरिक्त यह छोटे जानवरों जैसे कीट पतंगों, छिपकली, अन्य पक्षियों के अंडे और छोटे प्रजातियों के पक्षियों का भी शिकार कर लेते हैं। वर्षा वनों के घटते और जंगलों के कटने से आज यह पक्षी खतरे में है और इसके साथ कई अन्य प्रजातियां भी खतरे में हैं। लेकिन आज कई पक्षी प्रेमी इन पक्षियों को पाल रहे हैं और इनका संरक्षण कर रहे हैं। इन पक्षियों की लंबी चोंच इन्हें फलों तक पहुंचने में मदद करती है और पेड़ों के अंदर गहरे खोखले क्षेत्रों में से यह अपनी चोंच की सहायता से कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं। पर इनके चोंच इतने भी मजबूत नहीं होते कि इनसे यह अपनी रक्षा कर सके, परंतु यह अन्य हिंसक जीवों से यह अपनी चोंच के माध्यम से डरा जरूर सकते हैं। यह पक्षी मेंढक के जैसे इतने तेज आवाज निकालते हैं कि जो कि आधे मील दूर तक भी सुनी जा सकती है। इन पक्षियों के नर एवं मादा दोनों के रंग देखने में एक जैसे ही होते हैं, इसलिए किसी विशेषज्ञ के लिए भी इनमें भेद कर पाना काफी मुश्किल होता है। कभी न खुलने वाला गुप्त दरवाजा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु की मंदिर है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में श्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े हैं, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजे को खोल लिया गया, जिसमें से 2,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिसमें सोने और बाकी कीमती गहनों शामिल थे इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे का पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे तहखाना बी नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है, और मंत्रों से ही अगर खोला भी जाए तो इसे खोला जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है तो उनके साथ बहुत बुरा घटना हुआ है और किसी को तो मौत तक भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया जाए तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है, और कुछ कहते हैं कि इनमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश पर रोक लगा दी है। असम के डिम्मा हसाओं में जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है। मानसून के मौसम में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय, जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी प्रवास कर रहे होते हैं, तब इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहां पर आकर पेड़, बिजली के खंभे या घरों से टकरा कर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहां आकर
कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच ही होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़ियों को आकर्षित करने वाली रोशनी है, जिससे कोहरे में इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खम्भों या पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं। उन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है और पेड़ व लाइट के खम्भे तो हर जगह होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मर जाते हैं। जतिंगा गाँव में पक्षियों का इस तरह का झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा एक रहस्य बना हुआ है। इलाहादा कोई मादा ग्रैंड, यह आइलैंड ब्राजील में स्थित है। यह ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टापू का नाम स्नेक आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पूरे टापू में सांप भरे पड़े हैं। यहाँ 4000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती है। हर वर्ग मीटर की दूरी पर यहाँ 1 से 5 सांप देखने को मिल जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लेंसहेंड वाइपर भी यहाँ पाया जाता है। 1909 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया था, जिसकी रखवाली के लिए वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन पूरा परिवार सांपों का शिकार बन गया, जिसके बाद सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि शोधकर्ताओं को इस आइलैंड पर जाने की अनुमति मिली हुई है, जो कि साल में एक बार यहाँ शोध करने जाते हैं। इस आइलैंड पर सांपों के अलावा और कोई जानवर नहीं रहता, क्योंकि सब सांपों का भोजन बन गए हैं। हर साल बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी यहाँ आराम करने आते हैं और सांपों का शिकार बन जाते हैं, और यही पक्षी इन सांपों के इतने संख्या में बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। कभी नहीं खुलने वाला रहस्यमय दरवाजा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में श्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 रहस्यमय दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजे को खोल लिया गया, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिसमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग 6ठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब 6ठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भराता कोण कैलेरा तखाना बी नाम दिया गया है। इस तखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है, और मंत्रों से ही अगर खोला जाए तो खोला भी जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई है और किसी को तो मौत तक हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है, और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। रहस्यों से भरी वीडियो हर रोज अपलोड की जाती है हमारे इस चैनल वर्ल्ड फैक्ट पर। अगर आप भी रोचक एवं हैरान कर देने वाली बातों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।